हाँ तो प्यारे बच्चों, मयूर नॉवल्स अकेदमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उसी टॉपिक को आज आगे लेने जा रहे हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत। हम पहले पढ़ चुके हैं कि द्रवों में विद्युत का चालन होता है और उसमें दो प्रकार के संपर्क क्षेत्र के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा LED के बारे में बता चुका हूँ और विद्युत धारा के प्रभाव का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा के मुख्य रूप से तीन प्रभाव दिखाई देते हैं। पहला है ऊष्मीय प्रभाव या थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब संपर्क क्षेत्र के बल्ब तक विद्युत धारा पहुंचती है तो बल्ब का तंतु तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है और बल्ब से प्रकाश मिलता है। तो जब विद्युत धारा के कारण कोई सूचालक तार गर्म होता है या तप्त होता है तो इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। दूसरे, एक संपर्क क्षेत्र में हमने चुंबकीय सुई के विक्षेप वाला बताया था, तो विद्युत धारा के कारण यदि किसी सूचालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम पढ़ेंगे जब किसी चालक विलयन के अंदर विद्युत धारा या बिजली प्रवाहित होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं उसे विद्युत धारा का या विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जब किसी चालक द्रव में विद्युत प्रवाहित होती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम एक गतिविधि या क्रियाकलाप करते हैं जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। हम दो खराब शुष्क सेल जो होते हैं उन शुष्क सेलों की कार्बन की छड़ें लेते हैं, दो छड़ें, बेकार या खराब सेल खूब होते हैं हमारे आसपास, उन सेलों से हम ये दो कार्बन की छड़ें निकाल देते हैं सेलों को तोड़कर। इन छड़ों पर पीतल की टोपियां लगी हुई होनी चाहिए। शुष्क सेल के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, ये दो कार्बन की छड़ें हैं और ये इनके ऊपर लगी हुई पीतल की टोपियां हैं। इन पीतल की टोपियों को रेगमाल से रगड़कर साफ करते हैं। साफ करने के बाद इन टोपियों पर सूचालक तार के घेरे लपेटते हैं, तांबे का तार लेते हैं और उसके घेरे लपेटते हैं और घेरे लपेटने के बाद तार का एक सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, बड़ी लाइन धन टर्मिनल और छोटी लाइन ऋण टर्मिनल। और दूसरा तार का सिरा है वो हम बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। जब इन कार्बन की छड़ों को बैटरी से संयोजित करते हैं तो अब ये छड़ें इलेक्ट्रोड्स बन जाती है, इन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसको कहते हैं विद्युताग्र, इलेक्ट्रोड्स। जो छड़ बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी हुई है इसे बोलते हैं एनोड या धनाग्र, और जो छड़ बैटरी के रन टर्मिनल से जुड़ी है उसे बोलते हैं कैथोड या इसको बोलते हैं रणाग्र। अब हम एक खाली बीकर के अंदर पानी लेते हैं, जल लेते हैं
और इन दोनों क्षणों को उस बीकर के पानी में डुबोते हैं। बीकर में इतना पानी डालते हैं कि ये छड़े पानी में डूबी रहे, लेकिन जो पीतल की टोपी वाला भाग है वो पानी में नहीं डूबा हुआ होना चाहिए। पीतल की टोपी वाला भाग पानी की सतह के ऊपर होना चाहिए। तो इसको ध्यान से वापस देख लो एक बार। हमने दो कार्बन की छड़े ली, ये कार्बन की छड़े है और इनके ऊपर पीतल की टोपियाँ लगी हुई है। इन पीतल की टोपियों को रेगमाल से रगड़कर साफ करते हैं और फिर तांबे के तार इसके टोपियों पर लपेटते हैं और तार को बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। अब एक बीकर में हम पानी लेते हैं, ये बीकर है, ये इसमें पानी लिया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं द्रवों में विद्युत चालन होता है, यानी पानी है वो विद्युत का चालन करता है। इसको अच्छा चालक बनाने के लिए इस पानी के अंदर हम नींबू का रस या थोड़ी मात्रा में नमक घोल देते हैं ताकि ये विद्युत का अच्छा चालक बन जाए। अब इन छड़ों को लपेट करके डुबो करके और 3-4 मिनट या 5 मिनट बाद हम देखते हैं, 3 से 5 मिनट के अंदर हम देखते हैं तो इन छड़ों के पीतल की टोपी वाले भाग के आसपास किसी गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले दिखाई देते हैं, यानी जल में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, गैस बन रही है और गैस के बनने के कारण ये बुलबुले नजर आ रहे हैं। अब इसके बारे में सन 1800 के अंदर 1800 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है विलियम निकल्सन। विलियम निकल्सन ने बताया था कि जब जल या पानी के अंदर इलेक्ट्रोड डूबे हुए हो और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल का विद्युत वियोजन होता है। जैसा कि आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे जल का अणु सूत्र है H2O और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दो प्रकार के आयन बनते हैं, हाइड्रोजन के धनायन और ऑक्सीजन के ऋणायन। यानी जल दो गैसों से मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विलियम निकल्सन ने बताया था कि जब पानी के अंदर बिजली प्रवाहित करते हैं तो दो गैसें बनती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होती है और हाइड्रोजन गैस बैटरी के रन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होती है। यानी जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका वियोजन होता है, दो गैसें बनती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके अंदर एक परिवर्तन होता है जिसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या केमिकल चेंजेस कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो और आगे भी बड़ी क्लासों में ये आएगा, केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के अंदर होने वाले वे परिवर्तन है जब इसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसके रासायनिक गुण और संगठन पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है जल के अंदर और दो गैसें बन रही है। यानी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत या रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो निम्न प्रभाव देखे जाते हैं।
रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत निम्न प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे विलयन में गैस का उत्पन्न होना, यहाँ पर गैस बन रही है विलयन के अंदर, यानी विद्युत धारा के कारण जो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके अंतर्गत गैसें उत्पन्न होती है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बन रही है। और उसका उदाहरण है धातुओं के निक्षेप दिखाई देना, या धातुओं के निक्षेप उत्पन्न होना या होना। धातुओं के निक्षेप का मतलब एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, जैसे चांदी है, तांबा है, हल्की धातुओं के गहने बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है। तो एक धातु पर दूसरी धातु की जब परत चढ़ाई जाती है तो इसे धातु निक्षेप बोलते हैं। या इसके अलावा एक और परिवर्तन दिखाई देता है, तीसरा, विलयन का रंग बदल जाता है। यानी रासायनिक प्रभाव के कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ये तीन प्रभाव प्रकट होते हैं रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत, तो इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, जिसके अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, गैस उत्पन्न होती है, धातुओं के निक्षेप होते हैं और विलयन का रंग बदल जाता है। अब ये तीनों प्रभाव जो है वो विलयन और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करते हैं। विलयन और इलेक्ट्रोड की प्रकृति किस प्रकार की है उस पर ये तीनों प्रभाव निर्भर करते हैं। अच्छा, अब हमने विद्युत धारा का प्रभाव ठोस के अंदर पढ़ा, द्रव के अंदर पढ़ा और गैस के अंदर भी पढ़ा। अब हम विद्युत धारा का फलों और सब्जियों में प्रभाव होता है या नहीं होता है, यानी बिजली फलों और सब्जियों के अंदर प्रवाहित होती है या नहीं होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक नींबू लेते हैं और उसको चाकू से काट लेते हैं, नींबू या आलू में विद्युत चालन, आलू में नींबू की जगह हम आलू में करेंगे, आलू में विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत का चालन समझने के लिए एक आलू लेंगे। आलू के दो बराबर भाग काट करके एक कटे हुए भाग के अंदर समपरिक्षेत्र या टेस्टर, जैसा कि मैं उसकी संरचना आपको बता चुका हूं, चुंबकीय सुई वाला समपरिक्षेत्र, समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र तारों के दोनों सिरे इस आलू के कटे हुए भाग के अंदर स्थापित करते हैं। और लगभग आधा घंटा या घंटा पर बाद हम देखेंगे कि इस धसे हुए तारों के अंदर एक भाग के चारों तरफ नीला हरा धब्बा बन जाता है, यानी यहां पर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये नीला हरा धब्बा बन रहा है। अब ये धब्बा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े हुए तार के चारों ओर बन रहा है। अब इस क्रियाकलाप को हम और दोहराएंगे, दो तीन बार करेंगे, आलू लेंगे या इसकी जगह कोई और सब्जी लेंगे और उसमें वापस ये संपरिक्षेत्र के तारों के स्वतंत्र सिरे लगाएंगे, तो हर बार हम देखते हैं
कि धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो सिरा होता है सम परिक्षेत्र का, उसी के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है, दूसरे वाले तार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो तार ऐसे का ऐसे ही रहता है। यानी फल और सब्जियां जैसे आलू के माध्यम से हम किसी बॉक्स के अंदर, कोई बक्सा या संदूक है, उस बक्से या संदूक के अंदर कोई बैटरी है या सेल लगा हुआ है, और उस बैटरी और सेल के धन टर्मिनल का हमें पता नहीं है, प्लस पॉइंट का, तो हम आलू की मदद से या अन्य किसी सब्जी की मदद से उसके धन टर्मिनल का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान के अंदर खोज तो किसी और चीज़ की करते हैं, लेकिन हो कोई और जाती है। यहाँ पर ये क्रियाकलाप या ये जो गतिविधि है वो आपके पाठ के अंदर एक लड़का दिया गया बूझो, वो बूझो कर रहा होता है, वो तारों द्वारा सब्जियों और फलों के अंदर विद्युत प्रवाह होता है या नहीं होता है इसके बारे में अध्ययन कर रहा होता है, तो उसको इस टर्मिनल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। वापस सुन लें, रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट क्या है इसको एक बार वापस सुन लें। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो अपने अवयवों में टूट जाता है, अलग अलग भागों में टूट जाता है, और इस टूटने को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे जल का विद्युत वियोजन बता दिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे विद्युत लेपन के बारे में। विद्युत लेपन या जिसे विद्युत निक्षेप भी कहते हैं, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन या निक्षेप कहते हैं। इसके बारे में हम अगले टॉपिक में लेंगे।